नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चमनस। वक्त हो गया है देश और दुनिया की कुछ खास खबरों का। पश्चिम बंगाल में आज गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तृणमूल कांग्रेस यूथ विंग के महासचिव विनय मिश्रा पर शिकंजा कसा है। सीबीआई ने मिश्रा के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। खास बात है कि मिश्रा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी है। सीबीआई ने यह कार्रवाई दो घोटालों से जुड़े मामले में की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिश्रा के अन्य ठिकानों पर भी जल्द छापेमारी हो सकती है। उन पर मवेशी तस्करी घोटाला और कोयला चोरी मामले में शामिल होने का शक है। गौरतलब है कि सीबीआई ने आज गुरुवार को छापामार कार्रवाई से पहले विनय मिश्रा को नोटिस भी भेजे थे, हालांकि उन्होंने इस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। सीबीआई ने आज तीन ठिकानों पर तलाशी की। दो जगहों पर मवेशी तस्करी और एक जगह पर कोयला चोरी से जुड़े मामलों को लेकर जांच की गई। राज्य में सक्रिय भारतीय जनता पार्टी ने भी सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को हुई इस छापामार कार्रवाई के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के करीबी के ठिकानों पर रेड के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, बंगाल के एक पावर ब्रोकर विनय मिश्रा के यहाँ सीबीआई के छापे के बाद बंगाल के उच्च अधिकारियों की आपातकालीन बैठक और मुख्यमंत्री एवं भाइपों के यहाँ हलचल। प्रदेश में चर्चा का विषय है गौरतलब है कि साउथ 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसके बाद लगातार राजनीति गरमाई हुई है और विपक्षी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर भी है। तो ये हमारे ऐसी खास खबर, इसी तरह देश और दुनिया की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए चैनल से। अब तक के लिए नमस्कार।